भगवान जगन्नाथ हुए 15 दिनों के लिए बीमार। लू लगने से भगवान जगन्नाथ स्वामी हुए बीमार। भगवान के बीमार होने से मंदिर के पट बंद। ऐतिहासिक भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर में आज घट हजार छिद्र वाले घड़े से हुआ भगवान का स्नान। रास्ता ही जमाने से चली आ रही परंपरा का हुआ निर्वहन। क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ जाते हैं? सुनकर भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना के भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की, जो आज से 15 दिनों के लिए लू लगने से बीमार हो गए हैं, जिससे अब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि यहाँ मान्यता है कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है और इसी दौरान लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं, जिससे उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल दी जाती है। ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। पन्ना जिले में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान है। मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर में रथ यात्रा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ 175 वर्षों से भी पहले से मनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन रथ यात्रा के पहले भगवान को लू लग जाने से बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी को धूप में स्नान कराने से लू लग जाती है, जिसके चलते वे बीमार हो गए हैं और भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में आज के दिन सुबह राज परिवार की उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की गई और इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आगाज भी हो जाता है। बीमार भगवान को ठीक करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। जानकार बताते हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 36 वर्ष बाद पन्ना में भी आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की शुरुआत हुई। बीते 175 वर्षों से रथ यात्रा निकालने का सिलसिला यहां अनवरत चलता आ रहा है। इस रथ यात्रा में हजारों की भीड़ के साथ घोड़े हाथी ऊंट की सवारी निकलती है। यहां की पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पारंपरिक तरीके से निकाली जाती है। पन्ना में ये भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है और इस मंदिर ये अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आज स्नान यात्रा का कार्यक्रम है। यहाँ पर आज भगवान बाहर आएंगे गर्भगृह से और भक्तों को दर्शन देंगे, स्नान होगा उनका जल से के द्वारा और एक घट लुटने की परंपरा है, जिसमें छोटा सा घड़ा होता है उसमें जल होता है प्रभु का और उसके बाद में भगवान अंदर जाते हैं। उस समय उन्हें लू लग जाती है और भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इन 15 दिनों में मंदिर बंद के कपाट बंद रहेंगे। 15 दिन पश्चात वह स्वस्थ होंगे, तब उनको प्रसादी होगी और वह उन्हें भोग चढ़ेगा, जिसमें दाल चावल कड़ी भात बरा ये सभी चीज़ें रहेंगी। उसके पश्चात में अगले दिन 7 तारीख को रथ यात्रा का कार्यक्रम है। इस 15 दिन के दौरान भगवान को औषधियों को दिया जाता है, साथ ही साथ उनके जो एक बीमार व्यक्ति के लिए जो औषधियाँ तैयार की जाती हैं, जिस प्रकार से उन्हें रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी विभिन्न प्रकार के जो हमारे फल हैं उनका और जो ड्राई फ्रूट है उनका उनको प्रसाद लगता है और साथ ही साथ में जिस प्रकार से औषधियाँ बनाई जाती थीं पूर्व के समय में वैद्य बनाया करते थे, उसी परम्परा के अनुसार भगवान का 15 दिन तक इलाज चलता है। तो फिलहाल की खबर में इतना ही। आगे खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड 24/7 के संवाददाता पन्ना से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।